गुड मॉर्निंग टू माई डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिसिज बबली, TGT इंग्लिश टीचर, अ फैकल्टी ऑफ सूरज स्कूल, रिवाली। टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्लास 8, चैप्टर नंबर 2, द सुनामी। चैप्टर नंबर 2, द सुनामी। बिफोर यू रीड, लुक एट द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हेयर। दिस इज द मैप ऑफ अंडमान एंड दिस इज द मैप ऑफ निकोबार। नाउ रीड द सेंटेंस बिलो, री राइट द इनकरेक्ट आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक। हेयर फ्यू सेंटेंस आर गिवन, इन दिस फ्यू सेंटेंस सम सेंटेंसेस आर रॉन्ग एंड यू हैव टू करेक्ट द सेंटेंस। विल स्टार्ट विद द रीडिंग। अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज बाय अर्थक्विक। सुनामी कैसे आती है? अर्थक्विक से आती है, अंडर द सी। अगर सी के नीचे अर्थक्विक आता है तो दैट इज सुनामी। ऑन 26 दिसंबर 2004 में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बेस पे ये स्टोरी है। अ सुनामी हिट, सुनामी ने हिट किया था थाईलैंड एंड पार्ट ऑफ इंडिया सच एज अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु। तो कहाँ कहाँ पर इंडिया में हुआ था? अंडमान निकोबार एंड द तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट के पास हुआ था और थाईलैंड में हुआ था। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। अब यहाँ पर उसी दिन के बेस पे कुछ स्टोरीज है जो करेज की और सर्वाइवल की है, मतलब जो लोग यहाँ सर्वाइव हुए उन्होंने ही अपनी स्टोरी बताई है। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग। क्या एनिमल सेंस कर सकते हैं कि सुनामी आने वाली है, या फिर कोई इंसिडेंट होता है तो एनिमल पहले ही सेंस कर देते हैं। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। और अब जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उनमें जो कुछ स्टोरीज हैं उसमें ये बताया जाएगा कि हाँ, एनिमल्स पहले ही सेंस कर लेते हैं। विल स्टार्ट विद, दिस चैप्टर हैव 3 पार्ट्स, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। These stories are all from Andaman and Nicobar. इस चैप्टर में जितनी भी स्टोरीज है वो कहाँ से है? अंडमान और निकोबार। आर के प्लियोग्यो, आर के प्लियोग्यो मीन्स क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड, जो जैसे कि यहाँ पर आपका मीनिंग दिया है, अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड एंड सराउंडिंग सी, और जो सी से सराउंडेड है। इग्नेशियस, यहाँ पर इग्नेशियस एक पर्सन का नाम गिवन है, तो इग्नेशियस यहाँ पर एक पर्सन का नाम हो गया। वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल, यहाँ पर कचल एक प्लेस का नाम है कि इग्नेशियस मैनेजर था एक सोसाइटी में। हिज वाइफ वोक अप हिम एट 6 AM, उसकी वाइफ ने उसे 6 AM उठा दिया। बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्विक, क्योंकि उसे अर्थक्विक महसूस हुआ। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन, इग्निशियस ने क्या किया? अपने टेलीविजन को उठाया, सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। उसने क्या किया? टीवी को टेबल से उठाया और उसे नीचे रख दिया ताकि वो टूटे ना। देन द फैमिली रश आउट ऑफ द हाउस, और तभी फैमिली सारी घर के बाहर चली गई। वेन द ट्राइमस स्टॉप, यहाँ पर ट्राइमस मीन्स क्या है? यहाँ पर मीनिंग दे रखा है अ लाइट शेक अर्थ। ट्रिमियोस मीन्स दे रखा है अ लाइट शेक अर्थ, अर्थ शेक ड्यूरिंग द अर्थक्विक, मतलब एक तरह से जब अर्थक्विक आता है तो जमीन हिलती है, उसको बोला है स्टॉप। तो यहाँ पर क्या है? अर्थक्विक की जो शेकिंग है वो रुक जाती है। दे सॉ द सी राइजिंग, सडनली उनको क्या दिखाई देता है कि सी राइज हो रही है। इन द क्योस, इसको हम चौस नहीं बोलेंगे, इसको हम क्योर्स बोलेंगे। एंड कंफ्यूज मीन्स कंफ्यूजन में, मीन्स कंप्लीट डिसऑर्डर, मतलब आपको पता नहीं क्या करना चाहिए। तो कंफ्यूजन में टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके दो बच्चे हैं, कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर। मदर्स फादर यहाँ पर क्या हो गया? मदर के जो फादर थे, मतलब बच्चों के जो नाना थे। एंड मदर्स ब्रदर, और मदर का जो भाई था, मतलब बच्चों के मामा थे। तो एक बच्चे ने अपने नाना का हाथ पकड़ लिया और एक बच्चे ने अपने मामा का हाथ पकड़ लिया। एंड रश
इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो हमसे अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। ही नेवर सॉ देम अगेन। ही यहाँ पर कौन है? इग्निशियस। इग्निशियस ने उसे कभी भी नहीं देखा, उन्हें कभी वापस नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वाइप्ड अवे। उसकी वाइफ भी एक तरह से पानी की लहरों में बह चुकी थी। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव। और जो तीन बच्चे थे जो उसके साथ थे वो सेव थे। मीन्स यहाँ पर इग्निशियस के टोटल फाइव चाइल्ड थे, जिसमें से दो बच्चे उसके मदर्स फादर और मदर ब्रदर के साथ बह गए थे, और तीन बच्चे थे जो इग्निशियस के साथ थे, और वो अब तक सेव है। संजीव बोजो पुलिसमैन। अब यहाँ पर क्या है, दूसरी स्टोरी आ गई है जिसमें पर्सन है संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन अ कचल, जो कि प्लेस थी कचल, वहाँ पर उस आइलैंड पर सर्विस करता था ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। उसने अपने आप को सेव किया, हिज वाइफ अपनी वाइफ को एंड हिज बेबी डॉटर और अपनी डॉटर को फ्रॉम द वेव। उसने कैसे भी करके अपनी फैमिली को बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राइज, तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ आई फॉर हेल्प, किस चीज़ की हेल्प के लिए, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। और वो कौन थी? वाइफ ऑफ जॉन। अब यहाँ पर जॉन कौन है? द गेस्ट हाउस कुक। गेस्ट हाउस का कुक था जॉन। तो उसको आवाज़ वो चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर, वो वाटर में जम्प किया टू रेस्क्यू हर, उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वाइप्ड अवे, पर वो दोनों को ही लहर ले जा चुकी थी। थ्री ईयर्स एगो, थ्री ईयर ओल्ड। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टोरी, टू स्टोरीज आपकी हो गई है, दिस इज द थर्ड स्टोरी। 13 ईयर ओल्ड मेघना वॉज स्वाइप्ड अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स। 13 ईयर ओल्ड मेघना क्या की? स्वाइप्ड अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ एक तरह से वो पानी के भाव में बह गई। एंड 77 अदर पीपल, और उसके साथ 77 और भी लोग थे। ही स्पेंट 2 डेज फ्लोटिंग इन द सी। उसने 2 दिन सी में ही फ्लोट करते हुए निकाले, और वो कैसे? होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर, उसने एक वुडन डोर को पकड़ रखा था। 11 टाइम्स ही सॉ, मतलब उसने 11 बार किसको देखा है? रिलीफ हेलीकॉप्टर, जो कि जब सुनामी आती है तो हेल्प के लिए हेलीकॉप्टर को भेजा जाता है लोगों की मदद के लिए ओवरहेड। बट दे डिड नॉट सी हर, पर किसी ने भी उनको उसको नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द स्नो बाई वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डे। अब क्या हुआ कि वो पानी के बहाव से खुद ही जो सी का किनारा है वहाँ पर आ गई, और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो वहाँ पर है, और वो वॉक करते हुए बाहर की तरफ गई। अब यहाँ पर थर्ड स्टोरी ख़त्म होती है। अब आपकी आती है फोर्थ स्टोरी। आंस जावेद वॉज 10 ईयर ओल्ड, वो 10 ईयर ओल्ड की थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्म कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प। वो स्टूडेंट थी कार्म कॉन्वेंट की, जो कि पोर्ट ब्लेयर में था, और उसके फादर का वहाँ पर पेट्रोल पम्प भी था। हर मदर रहीला होम वॉज इन नैनकोरे आइलैंड। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। उसकी मदर का घर नैनकोरे आइलैंड में था, और पूरी फैमिली वहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गई हुई थी। व्हेन द ट्राइमस केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब जो अर्थ है, जो ज़मीन है, वो हिलने लगी मॉर्निंग में, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, फैमिली उस टाइम सो रही थी। आर्म्स फादर सॉ द सी वाटर, आर्म्स फादर ने सी वाटर को देखा। रिसाइड मीन्स क्या होता है, वो वाटर मूव बैक कर रहा था, वो पानी पीछे जा रहा था। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद अ ग्रेट फोर्स, और वो समझ गए थे कि अब वाटर ग्रेट फोर्स के साथ वापस आएगा। ही वोक एवरी वन अप, उसने सबको उठा दिया, एंड ट्राई टू रश देम टू द सेफर प्लेस, और रश कर रहा था ताकि वो लोग सेफ प्लेस में चले जाएं। एज दे रन, जैसे ही सब लोग वहाँ से भागने लगे, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड। उसके ग्रैंडफादर जो थे, जब रश कर रहे थे तो
तो यहाँ पर आर्म्स के जो ग्रैंडफादर थे उनको सर पर किसी चीज़ से लगी समथिंग एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गए। हर फादर, यहाँ पर हर फादर कौन है? हर फादर है आर्म्स के फादर। जस्ट अ मिनट। हर फादर रश टू हेल्प हिम, देन केम टू फर्स्ट गेन वेव दे स्वाइप बोथ ऑफ देम। जैसे ही उसके फादर ग्रैंडफादर की हेल्प करने के लिए आए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेव उनको बहा ले गई। आर्म्स मदर एंड आंट स्टूड सीलिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री। अब जो आर्म्स की मदर थी और उनकी जो आंटी थी, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर लीनिंग मीन्स क्या होता है कि बहुत पकड़ लेना, ज़ोर से पकड़ लेना। उन्होंने बहुत टाइटली कोकोनट ट्री को पकड़ लिया था, कॉलिंग आउट हर लीव को पकड़ लिया था और वो बुला रही थी आर्म्स को। अ वेव अपरूटेड द ट्री, और एक वेव ने एक तरह से पूरी जड़ से ट्री को अपरूट कर दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो भी पानी में बह गए। आम सॉ अ लॉग ऑफ वुड, आम ने एक लकड़ी का टुकड़ा देखा फ्लोटिंग, शी क्लाइम्ड ऑन इट, वो उस पर क्लाइम हो गई, मतलब उस पर बैठ गई। देन शी फेंटेड, और वो फिर बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप शी वॉज इन, जैसे ही वो उठी, शी वॉज इन हॉस्पिटल, और वो कहाँ पर थी, हॉस्पिटल कामोरिया प्लेस पे थी, कामोरता प्लेस, हॉस्पिटल इन कामोरता। फ्रॉम देयर शी बॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से वो कहाँ पर आ गई है, पोर्ट ब्लेयर पर। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, वो जो गर्ल बहुत छोटी थी और वो उस इंसिडेंट के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती थी किसी के भी साथ, विथ एनी वन। शी इज स्टिल, और वो अब तक क्या थी, घबराई हुई थी। ट्रमेंडाइज मीन्स ग्रेटली शॉक, बहुत ज़्यादा शॉक में थी, डिस्ट्रेस्ड में थी। नाउ पार्ट वन इज कम्प्लीटेड, वी पार्ट टू। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज अनेबल टू सेव मैनी लाइव्स वेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच। यहाँ पर क्या है, फुकेट बीच पर भी सुनामी आई थी इन थाईलैंड। अभी तक हमने जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा वो अंडमान निकोबार की है, अब हम जो पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, वो एक थाईलैंड की एक सिंगल स्टोरी है। दो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड, अब यहाँ पर तिली ने नंबर ऑफ अवार्ड्स जीते हैं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू इंटरव्यू ऑन द टेलीविजन, उन्होंने अपनी बच्ची का इंटरव्यू टेलीविजन पे नहीं आने दिया। एंड मेड इनटू अ हीरोइन, वो नहीं चाहते थे वो एक हीरोइन बने। व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा? नाउ हेयर इज स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, अब ये स्टोरी है थाईलैंड की। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम द साउथ ईस्ट इंग्लैंड वॉज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। वहाँ पर एक फैमिली है, स्मिथ फैमिली बोला है, वो क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए बीच पर गए हुए थे। टेली स्मिथ वॉज 10 ईयर, अब यहाँ पर टेली स्मिथ कितने ईयर्स की थी, 10 ईयर्स ओल्ड थी, स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर, उसकी सिस्टर 7 ईयर की थी और वो 10 ईयर की थी। देयर पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन, पेरेंट्स के नाम क्या थे, पैनी एंड कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, कौन सा दिन था, 26 दिसंबर 2004। डेडली सुनामी वेव्ड वर ऑलरेडी ऑन देयर वेव, जो सुनामी की वेव थी वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। दे हैव बीन ट्रिगर्ड, वो चीज़ उनको ट्रिगर हो गई थी बाय अ मैसिव अर्थक्विक ऑफ नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। उसी मॉर्निंग में जो सुमेद्रा करके बीच था, वहाँ पर पहले ही उस प्लेस पे अर्थक्विक आ चुका था, तो इस वजह से उनको पहले से ही हिंट था कि कुछ गलत हो सकता है। द वाटर वॉज स्वेलिंग, वाटर स्वेलिंग मतलब वाटर का लेवल अप होता जा रहा था। एंड केप्ट कमिंग इन, और सामने आता जा रहा था।
पैनी स्मिथ रिमेंबर, पैनी स्मिथ ने याद किया, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर, जो बीच है वो क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है, एंड स्मॉलर, और वो छोटी से भी छोटी है। आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग, मैं नहीं जानती थी, यहाँ पर जो टिली है वो नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, पर उसने इतना सेंस कर लिया था कुछ ना कुछ गलत है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक, उसका माइंड बार बार पीछे जा रहा था, टू अ ज्योग्राफी लेसन, उसने एक लेसन पढ़ा था ज्योग्राफी में। शी हैज़ टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, मतलब 2 वीक पहले ही थाईलैंड में आने से पहले उसने ज्योग्राफी का एक लेसन पढ़ा था। टिली सॉ द सी स्लोली राइजिंग, टिली ने देखा कि जो सी है वो बढ़ता जा रहा है, एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और वो फॉर्म मतलब फॉर्मी सा हो रहा है, बबल्स आ गए उसमें, एंड फ्रॉम वर्लपूल, यहाँ पर वर्लपूल का मतलब क्या होता है, जो पानी से सर्कल नहीं बन जाता है। शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस इन अ वीडियो ऑफ क्लास, इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हिट द हवाइन आइलैंड इन 1946। अब वो बोलती है कि उसने एक वीडियो में देखा था सुनामी के बारे में 1946 में जो हुई थी। हर ज्योग्राफी टीचर, उसकी जो ज्योग्राफी टीचर है, हैड शोन हर क्लास वीडियो एंड टोल्ड दैम दैट सुनामी कैन बी कॉज, और उनको बताया था सुनामी किससे आ सकती है, बाय द अर्थक्विक इन द सी, वॉल्केनोस एंड लैंड स्लाइडर्स, इनके थ्रू इस चीज़ से सुनामी आ सकती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली, टिली ने अपनी फैमिली पर चिल्लाना शुरू किया, टू गेट ऑफ द बीच, कि बीच से बाहर चलो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्विक अंडर द सी, वो बात करने लगी अर्थक्विक के बारे में जो सी के अंडर आता है। शी गॉट मोर एंड मोर, यहाँ पर क्या है, हिस्ट्रिकल मीन्स क्या होता है कि वो कंफ्यूज हो गई कि क्या करना चाहिए, जो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी अपने आप को। सेड हर मदर पैनी, उसकी मदर पैनी ने कहा कि उस टाइम वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी। आई डिड नॉट नो व्हाट अ सुनामी वाज, मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या है, बट सीइंग माय डॉटर, पर मेरी डॉटर को देख के सो फ्राइटन, मैं बहुत डर गई थी। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, और मुझे कुछ ना कुछ सीरियस लग रहा था। यहाँ पर इंटरव्यू अब कौन दे रहा है, उसकी मदर बता रही है, उसकी पेरेंट्स बोल रहे हैं। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मुझे लगा कुछ ना कुछ सीरियस है। टिलीज़ पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के पेरेंट्स उसको और उसकी सिस्टर को लेके वहाँ से चले गए, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, जिस होटल में वो रुके हुए थे वहाँ पर स्विमिंग पूल के पास चले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, उन्हीं के साथ और भी टूरिस्ट जो वहाँ आए हुए थे उन्होंने भी बीच छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर जो भी लोग थे सी के आसपास वो उस बीच से आ गए। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्ला रही थी रन। द फैमिली टुक रिफ्यूज, यहाँ पर क्या हो गया, शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, मतलब एक सेफ जगह में जाना है। इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, वो लोग कहाँ थे, थर्ड फ्लोर ऑफ होटल में थे। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज, विदस्टूड मतलब क्या होता है, एंड्योर विदाउट कोलैप्सिंग, मतलब वो नहीं गिरेगी। सर्ज मीन्स फोर्स मोमेंटम, कुछ ना कुछ फोर्स किया जाता है। ऑफ 3 सुनामीज वेव, इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो अब बीच में रहते दे वुड नॉट have been alive, वो अभी जिंदा नहीं रहते। The Smiths later met other tourists, Smith later दूसरे tourists से भी मिले, who had lost entire family, जिन्होंने अपनी पूरी family lost कर दी थी। Thank to Tilly and her geography lesson, उन्होंने अपनी बेटी को thanks बोला और उसके geography lesson को। They had been forewarned till टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, और वो लोग वापस आ गए वहाँ से, और उसी की वजह से वो वापस आ पाए हैं इन इंग्लैंड, एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाई टेल, और उसने अपने क्लासमेट को वो टेरिफाई स्टोरी पूरी सुनाई वहाँ से। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट, लुक केयरफुली एट अ पिक्चर ऑफ अ बॉय, यहाँ पर एक बॉय की पिक्चर दी है जो एक डॉग के साथ बैठा हुआ है।
तो अब यहाँ पर पूछा गया है, इस पिक्चर को देखो, देखकर आपको क्या लगता है, आपके माइंड में क्या क्या फ्रेजेस आते हैं वो लिखने हैं। तो हम डायरेक्ट चलते हैं रीडिंग पार्ट के लिए। बिफोर द गेंट वेव स्लैम्ड इन टू द कोर्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, मतलब जो स्ट्रॉन्ग वेव है वो इंडिया और श्रीलंका बीचेस हैं वहाँ पर, वहाँ आने से पहले क्या सिचुएशन थी। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम्स टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, ऐसा लग रहा था जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल है उनको पता था क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो सेफ्टी की ओर जाने लगे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, जो आई विटनेस्ड है मतलब जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर अ हायर ग्राउंड, एलिफेंट स्क्रीम कर रहे थे और हायर ग्राउंड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटसाइड, डॉग बाहर जाने के लिए मना कर रहे थे। एंड जू एनिमल रश्ड इन टू देयर शेल्टर, और जो जू एनिमल्स है वो अपने शेल्टर की तरफ भागने लगे। एंड कुड नॉट बी एंटिक टू कम बैक आउट, और वो बाहर निकलने के लिए रेडी ही नहीं थे। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पॉजेस अ सिक्स सेंस, काफ़ी लोग विश्वास करते हैं कि एनिमल के अंदर सिक्स्थ सेंस भी है। एंड नो व्हेन द अर्थक्विक अर्थ इज गोइंग टू शेक, और वो ये जानते हैं कि अर्थ कब शेक करेंगे। सम एक्सपर्ट्स बिलीव, कुछ एक्सपर्ट हैं जो बिलीव करते हैं दैट एनिमल मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हेयर और फील द, मतलब उनके जो एक्यूट्स है हेयरिंग्स है वो बहुत उनको हेल्प करते हैं सुनने की ताकत, और फील, और फील करने का अर्थ का वाइब्रेशन। दे कैन सेंस एन अप्रोक्सिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट गोइंग ऑन, ह्यूमन रियलाइज करता है उससे काफ़ी पहले ही वो डिजास्टर का पता लगा लेते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल हैव अ सिक्स सेंस और नॉट, हम श्योर नहीं हो सकते कि एनिमल के सिक्स सेंस हैं या नहीं हैं। बट द फैक्ट इज़ दैट, पर फैक्ट ये है, द गेंट वेव दैट रोल थ्रू द इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन पर सुनामी आई थी, किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन डजन कंट्री, मतलब 12 कंट्री से भी ज़्यादा बोल सकते हो, या फिर 12 कंट्रीज में मोर देन 1,50,000 लोग मरे थे। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बिन रिपोर्टेड डेड, पर ज़्यादा एनिमल की रिपोर्ट नहीं हुई कि वो एनिमल्स ज़्यादा वहाँ पर मरे हैं। ए लॉन्ग इंडियन कडलर्स कोर्ट, मतलब इंडिया की एक कडलर कोर्ट है, मतलब एक बीच है, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रेजेस बटरफ्लाई गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। वहाँ पर काफ़ी ऐसे हुआ था कि जब सुनामी ने हिट किया था तो गोट डॉग्स वो सबको कुछ भी हार्म नहीं हुआ था। द याला नेशनल पार्क, यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। तो अब एक एग्जाम्पल हो गया है यहाँ पर इंडियन कडलर्स, और उसके बाद है याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में है, इज होम टू वेरियस वेराइटीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग एलिफेंट लेपर्ड एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड। 60 विजिटर वर वॉश्ड अवे, वहाँ पर क्या हुआ, 60 विजिटर पानी में बह गए थे। फ्रॉम यहाँ पर क्या है, पटना गला, पटना गला बीच, एक बीच है जो वहाँ से सुनामी आई थी और 60 विजिटर वहाँ से बह चुके थे इनसाइड द पार्क, जो कि पार्क के अंदर थे। बट नो एनिमल कारकेस, मतलब एनिमल कारकेस यहाँ पर क्या होता है, बॉडी ऑफ द एनिमल, डेड बॉडी ऑफ द एनिमल वर फाउंड, वहाँ पर किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिली थी। एक्सपेक्ट फॉर टू वाटर बेफेलोज, दो वाटर बेफेलो थे जिनकी डेड बॉडी मिली थी अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी, मतलब सुनामी से 1 घंटा पहले। पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट, और उसी पार्क में लोगों ने ऑब्जर्व किया था 3 एलिफेंट को, वो रन कर रहे थे पतनांगल बीच अवे फ्रॉम, उस बीच से दूर भाग रहे थे। श्री लंकन जेंटलमैन हु लिव्ड ऑन द कोर्ट, वो बिल्कुल बीच के पास किनारे पर रहता है, नियर गैले, गैले के पास, सेड हिज टू डॉग वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, उसने कहा कि मेरे पास दो डॉग है
वो डेली रूटीन पे बीच पे रनिंग के लिए जाते हैं। दे आर यूजुअली एक्साइटेड, वो ज़्यादातर बहुत एक्साइटेड रहते हैं टू गो ऑन दिस आउटिंग, इस आउटिंग में जाने के लिए ही सेट। बट ऑन दैट डे, पर उस दिन क्या हुआ था, दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रॉबली सेव हिज लाइफ। वो रिफ्यूज कर रहे थे उस दिन और यही रीज़न है कि वो आज सेफ है। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे।